नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ पनीर की सब्जी की रेसिपी। आपने पनीर की सब्जी तो कई तरह की खाई होगी, आज मैं एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ हांडी पनीर की। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हर पनीर की सब्जी एक दूसरे से अलग होती है टेस्ट में, तो आज वीडियो देखने के बाद ज़रूर ट्राई करें आज की हांडी पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा आपको बनाने का मन करेगा। अगर आज की वीडियो आपको कहीं से भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है। आप इसे छोटे साइज में भी काट सकते हैं या बड़े साइज में भी काट सकते हैं, जिस शेप देना चाहें उस तरह आप काट ले। दो मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे, इसका हमें पेस्ट बना लेना है। और दो मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, इसे बारीक काट लेना है। अब इसमें हमें मसाले लेने हैं, खड़े गरम मसाले। तो मैं यहाँ जीरा आधा चम्मच ली हूँ, दो छोटी इलायची हरी वाली और एक बड़ी इलायची है, दालचीनी है और चक्री फूल और दो लौंग और 7 से 8 कली लहसुन का और अदरक 1 इंच टुकड़ा, तेज पत्ता, 10 से 12 काजू। मैं पनीर की सब्ज़ी हमेशा सरसों तेल में बनाती हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ सरसों तेल ले रही हूँ। आप जिस तेल में खाते हो वो तेल आप ले लें, मैंने यहाँ 30 ml तेल डाली हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हमें पनीर डाल देनी है। पनीर को हमें हल्का फ्राई करना है। मैं यहाँ मीडियम फ्लेम पर बना रही हूँ, इसे हम पलट लेंगे। मैं 1 मिनट के बाद पलट रही हूँ, इस तरह का कलर आना चाहिए। अब मैंने फ्लेम को कम कर दिया है। दोनों तरफ से इस तरह का कलर कर लेंगे, फिर इसे निकाल लेना है। अब इसे हम निकाल लेंगे, ये 2 से 2.5 मिनट में फ्राई हो जाएगा। अब प्याज डाल देंगे, प्याज को बारीक काट लेना है। इसे भी मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं, इसे बीच बीच में चलाते रहना है। अब इसमें काजू डाल देंगे, इसी के साथ हमें फ्राई कर लेना है काजू को भी। आप अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, हमें इसका पेस्ट बनाना है इसीलिए मैंने प्याज में ही काजू को डाला है। फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। मैंने अभी गैस को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं फिर से तेल ले रही हूँ 20 ml। मैंने टोटल यहाँ 50 ml तेल ली हूँ, 50 ml भी कह सकते हैं या 50 ग्राम भी। अब इसे गर्म होने देंगे, फिर इसमें खड़े गरम मसाला डालेंगे। कभी भी कोई चीज़ तेल में डाले तो तेल को पहले गर्म होने दे। जीरा डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, तेज पत्ता, चक्री फूल, 2 लौंग, दालचीनी, 2 इलायची और 1 बड़ी इलायची। इसे जब पकाए तो लो फ्लेम पर ही पकाए। अब इसमें मसाला डालेंगे, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1/2 चम्मच, तीखा जितना पसंद करते हो तो आप अपने टेस्ट के अनुसार में। गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ टमाटर का पेस्ट में 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के पेस्ट बनाई हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई करना है, 1.5 से 2 मिनट फ्राई करना है। ले लेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, ले मैंने यहाँ 1/2 चम्मच लिया है। 2 मिनट करीब हो गया है। अब इसी चम्मच से 1/4 भाग हल्दी पाउडर डालेंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे। जो हमने काजू और प्याज का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। प्याज को जब फ्राई करें तो पूरा काला ना करें, नहीं तो सब्जी का कलर अच्छा नहीं दिखेगा। इस तरह से अब हमें 2 मिनट तक इस तरह पकाते रहना है। अब मैं यहाँ पर 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ 2 चम्मच दूध की मलाई ली है, इसे हमें पेस्ट करके डालना है। अगर आप दूध का मलाई नहीं देना चाहते हैं तो अमूल फ्रेश क्रीम दे सकते हैं। अब मैं इसमें मिक्सी जार में
मलाई का पेस्ट तैयार कर ली हूँ और मैंने इसे डाल दिया है। मलाई क्योंकि हर किसी के घर में मिल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर मलाई का प्रयोग किया है। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाना है। जब मसाले में उबाल आएगी तब हम पनीर डालेंगे इसमें। सब्जी में उबाल आ गई है, अब इसमें हमें पनीर डाल देनी है और इसे धीमे आंच पर पका लेना है। अब इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे 1/2 चम्मच। अगर आप धनिया पत्ता पसंद करते हो तो पनीर की सब्जी में धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। इसे और 2 मिनट तक पकाएंगे। ये अब बनके तैयार है। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। कलर देखकर पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी सब्जी बनी है। बनके तैयार है हांडी पनीर। आप इसे चाहे तो पराठा के साथ खा सकते हैं, या कुलचा के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, या पूरी के साथ खा सकते हैं। जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैं आज यहाँ पर पराठे के साथ बना रही हूँ हांडी पनीर। तो आप कब बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।